Bitte! Halt! खैरन भी नहीं है। खैरन उस लड़की को भगा के ले गई। अभी ज्यादा दूर नहीं गए। चलो 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 मेरे साथ चलो। आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा, वो लोग आ जाएंगे। बहुत दूर जाना है, जल्दी आ जल्दी आ। शाबाश, जल्दी आजा आजा आजा। क्या हो गया, रुक क्यों गई? तुम समझती क्यों नहीं हो, हमारा पीछा शुरू हो गया होगा। तुम तो नहीं, मैं अपनी जान से जाऊंगी, और तेरे साथ भी जो सुलूक करेंगे ना, वो तो मैं सोच के ही कांप उठती हूँ। चल जल्दी चल। नहीं खैर, मुझसे और भागा नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं चल सकती। तू अभी से ही थक गई है, तुझे पता नहीं है वो कितने खतरनाक है, वो आ जाएंगे। तू अभी से ही थक रही है, शहर अभी बहुत दूर है, हिम्मत कर थोड़ी, आ जा, अल्लाह करे गाड़ी मिल जाए। आजा आजा शाबाश, हिम्मत कर, आजा 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 आजा। रोक गाड़ी, बंद कर। बार बार बोला है अपने होशो हवास में लाकर, सोने की चिड़िया निकाल दी हाथ से। कहीं नहीं जाएगी साईं, बचकर पकड़ लेंगे उसे हम। अपनी बक बक बंद कर, जबान कम चला, और तुम लोग भी ध्यान से देखो, जिसको भी नजर आए सीधी गोली मारना, और ख्याल से गोली टांग पे लगनी चाहिए। मुझे जिंदा सलामत चाहिए वो लड़की हर हाल में। गाड़ी क्या क्या हुआ, क्या हो गया? मेरे पाँव में चोट लग गई। अच्छा मैं देखती हूँ, इधर ला, मैं देखूं। इधर अब देख, कुछ बेहतर हुआ? सही हुआ? मैं और नहीं चल पाऊंगी। लड़की तू समझ क्यों नहीं रही है? तू चल, मैं तेरी खातिर ही सब कुछ कर रही हूँ ना, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन देख सब कुछ तेरी खातिर में कर रही हूँ, मैं अपनी जान जोखिम में रख के कर रही हूँ, मौत हमारे सर पे मंडला रही है। तू चल, तू थोड़ी सी हिम्मत तो कर, चल ना। मैं नहीं चल पाऊंगी। अरे लड़की तू क्यों नहीं समझ रही, तू चल ना, मैं सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही हूँ, मैं तेरा साथ दे रही हूँ ना। हाँ देख, मैं तेरा साथ दे रही हूँ, मैं अल्लाह के सामने सुरखरू होऊंगी। चल आ जा, तुझे अल्लाह का वास्ता याद है, आजा आजा आराम से आजा। भाग गए वो लोग, निकल गई हमारे हाथ से। बक बक बंद कर, मुझे नजर नहीं आती चलने वाला।
ऐसी गाड़ी का सहारा लेके निकल गए हैं वो लोग यहाँ से, इससे पहले कि हम लोग भी फंसे किसी मुसीबत में। चलो वापस, चलो वापस जेरे में। स्टार्ट कर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर बैठ, इधर बैठ, 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 ले, बैठ जाए इधर, आराम से। अल्लाह शुक्र। क्या हुआ खैरन? हम लोग क्यों गए? हम लोग उनकी पहुंच से तो दूर हो गए, अल्लाह का शुक्र है। अब शहर भी थोड़ा सा ही करीब है, लेकिन मुझे ये फिक्र है कि उनसे तो बच निकले हम, लेकिन मसला ये है कि कोई और दरिंदे ना आ जाए। मुझे अपनी नहीं, मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है। तुझे खैर खैरियत से अपने घर भेजूं, अल्लाह पाक के आगे सुरखुरु हो जाऊं। आ जा, जा लेट जा। तेरे आगे मैं सुरखुरु हो जाऊं। सुबह भी होने वाली है, रोशनी हो जाएगी तो रोड तक चले चलेंगे, ठीक है ना? जब तक तू आराम कर। अच्छा बाबा, तू इधर ही मिल गया। दावर भाई ने तेरे घर ही भेजा था। अभी चल सीधी तरह। मैं सोच क्या रहा है, चल ना। दावर भाई को बोलना मैं खुद उनसे आके मिल लूंगा, प्लीज। अबे तेरी तो टोपियां नहीं खत्म होती, सीधी तरह चल रहा है नहीं चल रहा है बता। क्यों तमाशे कर रहे? मैं कह रहा हूँ मैं आ जाऊंगा, दावर भाई को बोलना मैं उनसे आके खुद मिल लूंगा। मैं मिल लूंगा, बोल रहा है तो आ जाएगा, वरना ये जानता है किसको किस तरीके से लेकर जाएंगे हम लोग। रात से आ जाना। मैं आ जाऊँ, आ जाऊँ। घर कैसे आ गए? ये लो बाबा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन सा? इसी देहात वाला ना? अच्छा अच्छा, ये इधर इधर आ जाओ, आ जाओ। अरे इज्जत, इस पे तो ताला लगा हुआ है। ताला? हाँ। मेरी बच्ची, कहा थी तू? नहीं बेटा, रोते नहीं ना जाने किस पश्चिमलाल से गुजर कर आए। बस अजाल मुझे बचाया। खाना नहीं बेटा, चुप कर जा, मैं हूं ना। बस कर जा मेरी बच्ची, बस कर। अरे बहन, ये बातें अंदर भी चल के कर लेना तुम लोग, ताला खुलवाओ पहले। ताला? आ गई मेरी बच्ची। जोर भाई, ताला, ताले की चाबी नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैं हूं ना, तो परेशान क्यों होती है? बेटा ताला खुल गया मेरी बच्ची, चला आ जाओ, आ जाओ बहन, आ जाओ। भाई साहब पड़ जाएगी,
अबे आ गया तू। हाँ भाई आ ही नहीं रहा था, नखरे दिखा रहा था, बड़ी मुश्किल से आया है। अबे जाहिल, नखरे दिखाने की उम्र है इसकी, और अब नहीं दिखाएगा तो कब दिखाएगा? अभी लौटे। आपने बुलाया था भाई? अबे मेरे भोले शहजादे, 5 लाख कर्ज लिया था तूने, और अब उसे लौटाएगा तू? यहाँ तेरी आने वाली नस्लें। भाई मैं अरेंज कर रहा हूँ, मैं लौटा दूंगा आपको। साथ काम करते हैं तो लेन देन तो चलता रहता है ना भाई, अभी आपके काम भी तो करता हूँ मैं। अब ऐसा कर यार, काम नहीं कर, तू काम नहीं करेगा, तू तो मेरा शहजादा है शहजादा। बस अब ये बता के पैसे कब देगा? भाई 5 लाख रुपए हैं, अभी कुछ छोटी रकम तो है नहीं कि बंदा जेब से निकाले और हाथ में रख दे। थोड़ा टाइम दे दे, मैं अरेंज कर दूंगा। अबे दिमाग खराब मत कर अब मेरा, डेट बता डेट, वरना ना इधर देख, इधर ये टेढ़ी उंगलियों से निकाल लेता हूं मैं। तू जानता है मैं पैदाइशी टेढ़ा हुआ था, अबे टेढ़ी उंगलियों के साथ पैदा हुआ था, और मेरे टेढ़ेपन से ना मेरा बाप भी डरता था। अब तू मुझे डेट बता डेट। मैं अरेंज कर रहा हूँ भाई, हो जाएगा कुछ ना कुछ, मैं कर दूंगा आपको। देख तुझे जो मैंने माल दिया था ना, वो हर किसी के पास नहीं मिलता, बस अब तू मेरा पैसा दे, मेरा पैसा, समझा? वरना तुझे मैं बांध कर यहीं मुंह पे टेप लगा कर ना फेंक जाऊंगा, और भूल जाऊंगा कि किसी को यहाँ छोड़ के गया हूं, समझा? पैसे निकाल अब मेरे। भाई मैंने कहा ना मैं करता हूँ कुछ। कुछ नहीं, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, पूरे पैसे। कितने? 5 लाख। और अब अगर आएगा ना तू पूरे 1 हफ्ते बाद, पैसों के साथ आइयो, समझा? चल अब जा, शाबाश, अभी जा। भाई जितना सीधा ये दिखता है ना, उतना सीधा है नहीं। अबे कितने टाइम से काम कर रहा है? ऐसे 85 आए और गए, हमें जो पैसे नहीं देगा ना तो फिर उसे जीने का हक नहीं है बच्चे, समझा? और हाँ इसमें नजर रखना। अबे चल ना निकलो। गाड़ी रेडी है? जी सर, वो लोग आपको रिसीव भी कर ले। नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और एक काम करो ऑफिस की गाड़ी को भी मना कर दो, और मैं जब यहाँ नहीं होऊंगा तो कुछ चीज़ें वो संभाल लेना, ठीक है? ऑफिशियल विजिट है सर ये, औरंगजेब साहब के इल्म में लाना बात ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी को डील वही आज तक कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, इन्फॉर्म कर देना, लेकिन मेरे जाने के बाद। ठीक है सर, मैं चल रहा हूँ। खैरन आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम बस खैरियत से अपने घर आ गई हो, मेरे लिए यही बहुत है। आई जब बेटा ये ले फ्रूट खा ले। नहीं खाला, मुझे कुछ नहीं खाना। आज थोड़ा सा खा ले, हिम्मत आ जाएगी, और फिर उसके बाद मुझे बताना कि माजरा क्या है। खाला मुझे बताएं, जलाल आया था क्या? हाँ वो जलाल का तो कुछ पता नहीं है बेटा, बस का दोस्त आया था,
वो कह रहा था कि किसी काम में फंस गया। खाला ये हैरन है, यही वो फरिश्ते जो मुझे घर लेकर आई। अरे बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम मेरी बच्ची को हिफाजत से लेकर आई। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी ना, ये तो कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, बस स्कूल से घर और घर से स्कूल। अब मेरे तो दिल में हॉल उठ रहे थे कि अल्लाह जाने इसके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्ची खैर खैरियत से घर से आ गई। वाला मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा डरने की क्या बात है, अब कोई तुझे कुछ बोल के तो बताए, मैं मुंह ना तोड़ दूं उसका। और मैं घर पे भी अब तक बोल के आई हूँ कि मैं यही हूँ तेरे पास, जब तक जलाल नहीं आ जाता ना मैं कहीं नहीं जाने वाली। और अब तो खैर से मेहमान भी आ गई है, उसके लिए खाना भी बनाना है। हाँ अरे नहीं नहीं अदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब जाऊंगी। अदी मैं तो बहुत गुनाहगार बन गई हूँ, इस अल्लाह वाली ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया और मैंने अपना फर्ज अदा किया। आए बहन ये देखो ये मेरी बच्ची है, शराबत तो इस पे खत्म है, मगर ये दुनिया वाले ना उसे जीने नहीं देते। तुम बैठो उसके पास, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर आती हूँ, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। हाँ और उसे फ्रूट भी खिला देना, थोड़ी ताकत आ जाएगी। हाँ मेरी बच्ची फ्रूट खा ले। कुछ खा लो। नहीं खैरा वहाँ की बिल्कुल दिल नहीं। थोड़ा सा खा लो वरना कमजोरी हो जाएगी।